पूरे देश की राजनीति होती थी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब इस देश के लोकतंत्र को सजीव करते हुए उसकी जड़ों को मजबूत करने का काम किया है, तो सीनियर ऑब्जर्वर कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष सुरजेवाल बोल रहे हैं कि राक्षस है बीजेपी के लूटर। देखिए, कांग्रेस पार्टी को जब से इस देश की जनता ने खारिज करना शुरू किया है तो कांग्रेस नेताओं की भाषा शैली में लगातार गिरावट देखी गई है। आज इस प्रकार से जनता की मनोवृत्ति के ऊपर सवाल उठाना, उनकी वोट देने की जो क्षमता है उस पर प्रश्न चिट उठाना दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी वास्तव में लोकतंत्र विरोधी है। इन्होंने सदैव से इस देश में सामंतवाद और लोकतांत्रिक राजशाही की ओर कहीं ना कहीं देश को अग्रसर किया था, जहाँ एक परिवार की सत्ता पर स्वाभाविक तौर पर पकड़ होती थी, बाकी सब उसके इर्द गिर्द पूरे देश की राजनीति होती थी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब इस देश के लोकतंत्र को सजीव करते हुए उसकी जड़ों को मजबूत करने का काम किया है, तो कांग्रेस नेताओं के इस प्रकार से अपमानजनक और अशोभनीय बयान सामने आ रहे हैं। लगातार वह अमर्यादित टिप्पणी कभी प्रधानमंत्री जी के परिवार के बारे में करेंगे, कभी उनकी माता जी को अपशब्द कहेंगे, कभी प्रधानमंत्री जी का जो जाति से आते हैं उसके बारे में उनके नेता टिप्पणी करेंगे। यह तो दिखाता है कि कांग्रेस नेताओं का जनता के साथ एक सीधा तौर पर अलगाव हो चुका है, और जो समय समय पर उनकी भाषा शैली के माध्यम से प्रकट होता है, देश की जनता प्रधानमंत्री जी के ऊपर विश्वास करती है। और आप देखिएगा, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे कांग्रेस के नेताओं की भाषा शैली में और गिरावट आएगी, क्योंकि वह अपनी आने वाली इस चुनाव में एक प्रत्याशी थार को देख रहे हैं और उसी को लेकर के कांग्रेस नेताओं की इस प्रकार की बयानबाजी है। सिंधिया समर्थक 7 नेताओं ने पिछले 2 महीनों में पार्टी छोड़ के वापस कांग्रेस में आ गए, क्या बोलेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक मझोले कद के नेताओं को इस प्रकार से अपने दल में शामिल करा करके एक जनता को भरमाने और माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि वास्तविकता जनता जानती है कि आज इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी का सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में कार्यकर्ता त्याग करके वहाँ पे जिस प्रकार से नेताओं का अहंकार है, संगठन की कमी है, नेताओं की आपसी खींचतान है, इन तमाम चीज़ों से त्रस्त होकर के विकासवाद और राष्ट्रवाद की प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो पूरे देश में राजनीति चल रही है उस विचारधारा वाले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर आज हम इतनी बड़ी संख्या में जो राष्ट्र देश के प्रति कार्य करने की भावना रखने वाले कार्यकर्ता हमारे दल में आ रहे हैं, उसके विपरीत आप देखेंगे कुछ लोग गए होंगे कांग्रेस पार्टी में और कांग्रेस उन्हीं को लेकर के खुश है। चुनाव परिणामों में आपको स्पष्ट हो जाएगा किस दल की कितनी साख है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।